बीते कुछ दिनों से इंदौर स्थित एमवाई हॉस्पिटल अपनी लापरवाहियों को लेकर लगातार सुर्खियों में है, जहां अस्पताल में एक बुजुर्ग का नरकंकाल मिलने के बाद 3 महीने के बच्चे के शव को पोस्टमार्टम किए बगैर ही मर्चुरी में छोड़ दिया गया था। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो प्रशासन भी हरकत में आया। इसके बाद संभाग आयुक्त पवन कुमार शर्मा ने कार्यवाही करते हुए संभाग आयुक्त ने 2 SI सहित 4 वार्ड बॉय को सस्पेंड कर दिया। अस्पताल के डीन और अधीक्षक को भी नोटिस जारी किया है, साथ ही एक डॉक्टर की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश भी इसमें शामिल हैं। मैं जो जैसा कि समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ था और उसके परिप्रेक्ष्य में वरिष्ठ अधिकारी और उसमें जांच भी हुई है और जांच टीम गठित की गई थी और साथ ही थाना स्तर पर भी उसमें देखा गया, तो जो प्रथमदृष्टा समझ में आया है कि विलम्ब हुआ है उस पर लेकर और कार्रवाई की गई है, जिसमें मनीष गुर्जर और आरक्षक को उसमें सस्पेंड किया गया है। बाकी इसकी अग्रिम जो प्राथमिक जांच है इसमें CSP संयुक्तागम को दी गई है। पूर्ति तिवारी इसमें जांच संपादित करेगी और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। MY में जो